Kindergarten, good morning. Today we will learn Maths Standard 9, chapter number 14, Statistics. Last time on the statistic में exercise 14.3 हमने किया था. अब हम आगे देखने वाले हैं. आगे में क्या है? तो ये measure of central tendency. Measure of central tendency क्या करते हैं? तो ये mean value. Mean value क्या होता है? तो ये जो mean of the number of observation is the sum of value of all observations divided by the total number of observations. कि आपने ऐसे sign देखी होगी x bar. x bar का मीन क्या होता है? Sum of numbers. क्या होता है? Sum of numbers. x bar is equal to sigma I is equal to 1 to n x i upon n. यानी कि mean value. यानी कि हमें mean value find करनी होगी. तब हम क्या करेंगे? तो जो नंबर हमें दिए हैं वो नंबर का एडिशन करेंगे. एंड कितने नंबर्स है? नंबर्स तो कितने नंबर्स है वो हम नीचे डिवाइड कर लिखेंगे. यानी कि एवरेज फाइंड करेंगे. क्लास नंबर 6 7 चैप्टर 6 7 स्टैंडर्ड में पढ़े थे एवरेज नंबर. उसके बाद है मीडियन. मीडियन में क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द नंबर्स n plus 1 by 2 एंड n इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? ओड नंबर. ओड नंबर यानी कि कोई हमारा 1 3 5 ऐसा कोई नंबर आता है तब हम क्या करेंगे? मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए, मीडियन वैल्यू फाइंड करने के लिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा 5 नंबर है तो 5 plus 1 डिवाइड बाय 2 5 plus 1 क्या होता है? 6 डिवाइड बाय 2 यानी कि हमारा 3 नंबर. तो हम ऐसे मीडियन वैल्यू फाइंड करेंगे. उसके बाद जब हमारा इवन नंबर होता है मीडियन वैल्यू में हमारा इवन नंबर्स होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 4 8 जैसे नंबर्स आते हैं तब हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 डायरेक्टली हमारा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा. इसलिए हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 एंड n प्लस डिवाइड बाय 2 प्लस 1 यानी कि n डिवाइड बाय 2 एंड n डिवाइड बाय 2 प्लस 1. उसके बाद बैक टू बैक हम नंबर लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? मीडियन. उसके बाद हम मोड. तो कि मोड के मोड का डिफाइन क्या है? तो मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट occurring observation यानी कि जो हम मोड है मोड की मोस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम मेजर करते हैं उसको हम ऑब्जर्वेशन करेंगे उसको बोलते हैं मोड. उसके बाद एक्सरसाइज 14.4 में हम फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं. 14.4 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल वेयर स्कोर बाय द टीम इन द सीरीज ऑफ 10 मैचेस. के 10 मैचेस का क्या करते हैं? उसकी सीरीज फाइंड करनी है. ओके तो उसमें नंबर कौन-कौन से दिए हैं? 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3. ओके तो इतने हमें नंबर दिए हैं. अब फाइंड क्या करना है? तो उसमें नीचे लिखा है कि फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दिस स्कोर. यानी कि तीनों दिन हमें फाइंड करने हैं. तो फर्स्ट में यहां पे हम मीडियन फाइंड करेंगे मीन फाइंड करेंगे. तो मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास स्कोर होता है. मीन फाइंड करने का क्या है? तो कि सम ऑफ नंबर यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. टोटल नंबर ऑफ यानी कि हमारे पास कितने नंबर्स है? तो कि 10 नंबर्स है. एंड सम ऑफ यानी कि ऑल दिस इज द एडिशन. 2 प्लस 3 प्लस ऐसे एज इट इज 3 प्लस 3 तक हमें एडिशन करना होगा डिवाइड बाय 10. तो इसका एडिशन क्या होता है? 28 डिवाइड बाय 10. डिवाइड में 10 होता है तो उसके मीन हम ऐसा लिख सकते हैं 2.8 गोल्स. तो ये हमारा क्या बन गया? मीन. उसके बाद अरेंज नंबर यानी कि नंबर को अरेंज करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है? मीडियन फाइंड करना है. तो ये नंबर को हमने क्या किया? अरेंज किया 0 1 अरेंज करने की स्मॉल नंबर टू बिग नंबर तक. तो 0 1 2 3 3 3 3 की जगह 1 2 3 4 4 प्लेन है तो 4 प्लेन लिख लाएंगे एंड 4 एंड 5. टोटल नंबर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 नंबर को जाना चाहिए. उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10. तो हमारा 10 हो गया. उसके बाद हम डैश इज इवन नंबर यानी कि 10 नंबर कौन सा है? इवन नंबर. तो 10 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 5. यानी कि फिफ्थ नंबर पे कौन है? तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर पे कौन है? 3. एंड उसके बाद बैक टू बैक नंबर यानी क्या है? 3. तो क्या हम यहां पे मीडियन फाइंड करेंगे? तो कि मीन ऑफ फिफ्थ नंबर वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो एंड उसके बाद सिक्स्थ नंबर वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो उन दोनों का क्या करेंगे? एडिशन डिवाइड बाय 2 यानी कि 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 3 प्लस 3 डिवाइड बाय 2. तो 3 प्लस 3 क्या होता है? 6 डिवाइड बाय 2 2 3 6 हमारा आंसर है 3. यानी कि यहां पर
हमारा मीडियन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है वो हम नेक्स्ट टाइम